हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी के लिए की वैल्यू क्या ली जाए कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन दिखाए। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मेरा क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें देखो ए बी ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कैपिटल a1, मेरा कितना होगा 2, कैपिटल b1 कितना होगा 3, कैपिटल c1 कितना होगा मेरा 7, कैपिटल a2 कितना होगा a-b जो x के साथ में होता है, कैपिटल b2 कितना होगा मेरा a+b एंड कैपिटल c2 कितना होगा 3a+b-2। मुझे ए बी की वैल्यू बतानी है कि वो कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों को प्रोपोर्शनल रख दिया, यानी कि 2 by a-b, 3 by a+b एंड c1 c2 3a+b-2 इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे हम, ठीक है। 2a-b 3a+b इन दोनों को मैंने इक्वल कर लिया, अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे 3a+b 7 3a+b-2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2a+b क्रॉस मल्टीप्लाई 3a-b, 2 को इसे गुणा किया 2a, 2 को b से गुणा किया 2b, 3 को इसे गुणा किया 3a, 3 को बी से गुणा किया 3b, ए वाली टर्म ए वाली के पास ले आया मैं 3a-2a, माइनस बी वाले माइनस के साथ ले आया, माइनस इंटू माइनस, माइनस वाले इधर इसका प्लस का कितना हुआ 5b, 3 में से 2 गया कितना आया 1a। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3a+b-2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ, a+b 3 को 3 के साथ, 3 3 9, 3 को b के साथ 3b, 3 को 2 के साथ 3 2 6, 7 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7a, 7 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 7b, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो a वाली टर्म है, ठीक है, ए की वैल्यू मेरी कितनी है 5b है, तो मैं ये करता हूँ यूजिंग 1, ठीक है, 9a की जगह पुट कर लेता हूँ मैं 5b+3b-6a, ए की वैल्यू मेरी कितनी है 5b+7b, ठीक है, कितना हुआ 9 5s 45b+3b-6, 7 5s 35b+7b, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया कितना है 48b-6, दोनों को ऐड किया कितना है 42b, प्लस का है इधर इसको आ जाएगा माइनस का 42b, माइनस का 6 इधर जाएगा इसको आ जाएगा प्लस का, माइनस क्या कितना है 6b=6, मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा डिवाइड में, 6 में 6 का डिवाइड दिया कितना आया 1 आया, बी की वैल्यू आगे पुट कर देंगे इसके अंदर, यहाँ मैंने रखा ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू मेरी 1 आगे निकल गई, ठीक है। और इसी के साथ मेरा इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका अगला पार्ट। तो इसके अगले पार्ट में हमें बोल रखा है फॉर विच वैल्यू के विल द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन की नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन का मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2, c1 c2 इक्वल नहीं होंगे b1 b2 के, इन दोनों की रेशो सेम नहीं होगी, इन दोनों की सेम होगी, ठीक है। तो मेरा जो a1 होगा वो कितना होगा 3, b1 जो y के साथ होता है, c1 जो कांस्टेंट है, a2 2k-1, b2 k-1 एंड c2 कितना हो जाएगा 2k+1। हमें सिचुएशन को फॉलो करना है, तो a कितना है 3, a2 2k-1, b2 k-1, c1 c2 2k+1, ठीक है। करने के बाद
हमें तो क्लियरली बोला गया ये दोनों सिचुएशन इक्वल नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों को ही हमें लेके सॉल्व करना होगा। 2k-1 k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k-1 2k-1, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना हुआ 3k, 3 को 1 के साथ 3 बन जा 3, 2k-1 प्लस का 2k इधर x को आ जाएगा, माइनस का 3 इधर x को आ जाएगा, प्लस का 3 में से 1, 2k का कितना है 1, 3 में से क्या कितना है 2, तो मेरी k की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पे 2 निकल के आती है। ठीक है, तो अगर ये जो मेरी इक्वेशन है अगर उसके 9 सॉल्यूशन होंगे तो k की वैल्यू कितनी होगी मेरी 2 होगी। ठीक है, और इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।